66वें जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट में किया गया, जिसमें शतरंज खेल प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक अरुण जोशी ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में 80 से अधिक शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता छात्र एवं छात्रा वर्ग की अंडर 14 कैटेगरी में अलग अलग करवाई गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद गुप्ता ने इस विद्यालय में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। 66वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता का चल रही है, जिसमें मेरे पास, मैं शतरंज का मुख्य निर्णायक हूँ, मेरा नाम अरुण जोशी है और यहाँ पे शतरंज की प्रतियोगिता चल रही है। टीम मैच खत्म हो गए हैं, आज व्यक्तिगत स्पर्धा का ये आखिरी राउंड आपके सामने अभी आप देखेंगे वो चल रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 81 से अधिक बच्चे हमारे पास आए हैं और इन्हें बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। हम आशा भी कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर भी ये बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। मेरे साथ धर्मेंद्र जी और सुशीला मैडम जी, जो दोनों सदस्य चयन समिति हैं, अपनी पूरी शिद्दत से कार्य कर रहे हैं। मैं मेरे सहायक प्रधान प्रमोद कुमार गुप्ता का भी आभारी हूँ कि उनने इस टूर्नामेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से स्वयं उपस्थित होकर की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरुण जोशी है, मैं इसी विद्यालय में सारी शिक्षक हूँ और मुख्य निर्णायक के शतरंज के पद पर लगा हुआ हूँ।